Hey guys, welcome to our channel Revit Gaming। तो ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट हाउस बनाया था माइनक्राफ्ट के अंदर, जिसमें हमने घर, स्विमिंग पूल, फाउंटेन और गार्डन में सिटिंग एरिया बनाया था। तो आज की वीडियो में हम उसी घर का इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे पूरा, दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिसमें एक्वेरियम भी और एक और चीज़ है। तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, ऊपर राइट साइड में आई बटन में मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा मैं, तो पहले वो वीडियो देखना फिर ये वीडियो देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्क्रैच से ये पूरा घर बनाया। और ये यार जो न्यू हो चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दो। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वीडियो ला पाऊँगा। थैंक यू। एंड हाँ, वीडियो पूरी देखना यार, वीडियो के लास्ट में टाइम लैप्स एंड घर का सिनेमैटिक शॉट भी दिखाने का पूरी कोशिश की हमने। तो अब और वेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी घर का इंटीरियर डिज़ाइन करना। तो आ चुके हैं हम गेम के अंदर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड हटाते हैं और दूसरी एंड्रॉयड लगा देते हैं, और बीच में लगाऊंगा मैं, मिडिल में सेमी एंड्रॉयड है। तो ये पूरा हो चुका है। तो अब साइड पैनल का देखेंगे, जो हमने घर में साइड पैनल निकाला हुआ था एक साइड सा, ये जो भी बोल दो बैल्कनी पैनल जो भी। अब इसके नीचे हम एंड्रॉयड लगाएंगे ताकि लाइटिंग के लिए, ताकि वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी लग चुका है। अब जल्दी से, क्योंकि हमें सिर्फ डेकोरेशन करना है घर का, तो जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये प्लेट हटा के, नीचे घास दिख रही है तो वहाँ पे भी हमने वाइट वाला ब्लॉक लगाना है। तो वाइट ब्लॉक लगा दिया। अब यहाँ पे वापस प्रेशर प्लेट वाला लगा देते हैं ताकि गेट खोल सकें हम। तो ये पूरा हो चुका है। तो अब घर में ऊपर की साइड में लालटेन लगा देते हैं जल्दी से। तो पूरे घर में हमने लैंटर्न लगा दिया, अभी रैंडमली लगाया। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे हम बुक शेल्फ बनाएंगे, और इस साइड राइट साइड हम यहाँ पे वो बनाएंगे एक्वेरियम, स्विमिंग पूल से कनेक्ट होता होगा, मतलब ग्लास से कनेक्ट कर देंगे उसको। अभी पूरा बेस बना रहे हैं उसका हम। तो ये पूरा बेस बना चुके हैं हम। अब यहाँ पे उसका बाउंड्रीज तैयार कर देंगे पूरी ग्लास की। तो अब इसके अंदर हम सी लैंटर्न लगाएंगे जिससे नीचे से रोशनी आएगी थोड़ी। तो ये पूरा सी लैंटर्न लगा चुके हैं हम। अब यहाँ पे तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पे साइड में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ग्लास है, ऊपर में यहाँ पे लैंटर्न थोड़ी ठीक कर देते हैं, कॉर्नर्स में और मिडल्स में लगाएंगे लैंटर्न हम लोग। पूरा बना चुका है, ऊपर निकलेंगे इसके, ऊपर जाके देखते हैं। अब यहाँ से हम पानी डालेंगे तो इसको पूरा पहले हटा देते हैं, ये भी तोड़ देते हैं। तो ये पूरा तोड़ चुके हैं और यहाँ से पानी डालना स्टार्ट कर देंगे हम पूरा। मैं जल्दी से आपको करके पूरा दिखा देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ऊपर कवर कर लेंगे। तो ये पूरा हम लोग बना चुके हैं और लैंटर्न भी हमने वापस लगा दिया है। तो अभी ये नीचे से जाके देखेंगे कि कैसा लगेगा, लेकिन उससे पहले इसमें फिश डाल देते हैं। तो पहले स्क्विड डाल देते हैं यहाँ पे, स्क्विड स्पॉन एग लिया। अभी देखो स्क्विड स्पॉन हो गया एक, और ऐसे ही करना चाहें तो राइट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रॉपिकल फिश डालेंगे। देखो ये ट्रॉपिकल फिश का आएगा, इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिश हैं वो आएंगे। देखो एक अलग, ये भी अलग, ऐसे ऐसे करके पूरा भर देंगे हम इसको पूरा एक्वेरियम पूरा। अब इसको बंद कर देते हैं, ये पूरा बंद हो चुका है, रात भी हो गई है। बाहर से देखते हैं, बाहर से ठीक लग रहा है। अब ये जो वाइट साइड है ना, यहाँ पे मैं इसको तोड़ के ग्लास का बनाना चाहूँगा ताकि जो एक्वेरियम है वो बाहर की साइड से भी दिखे, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक्वेरियम स्विमिंग पूल से भी कनेक्ट है और बाहर से भी दिख रहा है, तो उसको भी जल्दी से पूरा कर देंगे। तो ये पूरा हो चुका है, अब देखो कितना सही लग रहा है ये। हाँ पूरा सही लग रहा है हमें। अब जाते हैं वापस अंदर घर में। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें कर देते हैं। एक्वेरियम देखिए ऐसा लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी टूट गया था बाहर, तो वो मैंने पार्ट स्किप कर दिया उसको ठीक करके, और अभी ऐसा फाइनल आपका एक्वेरियम दिख रहा है पूरा। मैंने बता दिया कैसे बनाएंगे एक्वेरियम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम LED बनाएंगे, तो ब्लैक कलर का कंक्रीट ले लेंगे और उससे ब्लॉक्स लगाएंगे जिससे वो ब्लैक से, मतलब LED का लुक आएगा थोड़ा। देखो
और ऐसे ऐसे एंड ऐसे। अब देखो ऐसे सही लग रहा है, थोड़ा सा लुक आ रहा है ये धीरे धीरे। यहाँ से भी हटा देंगे, इस साइड से भी हटा देंगे, इस साइड से भी हटा देंगे। अब यहाँ पे हम पूरा सोफ़ा बना देंगे यहाँ पे, जैसे बाकी जगह पे हम बनाते हुए आए हैं बाहर और अंदर। अभी अंदर भी बना लेंगे, बाहर हम बना चुके हैं गार्डन एरिया में। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और फैला देंगे, एलईडी थोड़ा फ्लैट लगे। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हमने ब्राउन कंक्रीट ले लिया। अब ब्राउन कंक्रीट इसके ऊपर बाद में मैं फ्लावर लगाऊंगा, लेकिन पहले हम स्टडी एरिया पूरा कर लेंगे। तो ये पूरा आप तोड़ दोगे। अब यहाँ पे आप शेल्फ लोगे, बुक शेल्फ टाइप करोगे। ये आ गई बुक शेल्फ, इसको निकालोगे और जैसे ब्लॉक लगाते हैं सेम उसी वे में इसको लगाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा करके। तो ये पूरा बुक शेल्फ हम बना चुके हैं, बट घर में भी थोड़ा अंधेरा सा भी लग रहा है, तो अभी ये भी ठीक करेंगे। अभी दूर से अगर आप ऐसे आओगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पहले एंड ऑर लगा देते हैं। अब ऊपर की जो लांटेन्स हैं मैं उन्हें ठीक करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैंने रैंडम लगा दिए हैं, अब उन्हें पूरा ठीक कर देंगे हम लोग। और ये क्रीपर आ गया है, अगर सर्वाइवल में होते तो अब तक ये फोड़ चुका होता घर सब कुछ, इसके लिए सब बर्बाद कर चुका होता। और वापस से लांटेन लगाना शुरू कर देते हैं। और ये टीवी के साइड में स्लैब्स लगा देते हैं। अब बाकी जगह भी लाइटिंग कर देते हैं एंड रॉड से। तो ये पूरी जगह की हम लोग लाइटिंग कर चुके हैं। अब हम पॉट लेंगे और पॉट और उस पर मतलब फ्लावर डालेंगे, जिससे मतलब जैसे टेबल या स्टडी पे उस पर हम डाल सकते हैं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा पेड़ पौधे भी। अभी यहाँ पे हम रखेंगे पॉट, पहले यहाँ पे एक ब्लॉक रखना पड़ेगा हमें जिस पर पॉट रख सके, ये ब्लॉक जिस पर पॉट। अभी देखो राइट क्लिक, इस एरिया में भी पॉट रख लेते हैं। और ये स्लैब्स के ऊपर मैंने सोचा वो फ्रेम लगा देता हूँ मैं। मतलब फोटो फ्रेम लगाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे फोटो ये रही, फोटो फ्रेम लगा दिया। अब दूसरी साइड भी सेम कर देंगे। इन फोटोज़ में आप जो भी चीज़ डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं आपको दिखा दूँगा कैसे। और ये टेबल पे भी रख देते हैं पॉट्स। तो ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम हर जगह में, अब मैं हर जगह फ़ोटो फ्रेम लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे घर। तो जल्दी से फ़ोटो फ्रेम लगा के मिलता हूँ मैं आपको। अभी हर जगह फ़ोटो फ्रेम लगा चुके हैं, अब यहाँ पे हम एंड रॉड लगा देते हैं स्लैब्स के नीचे ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। अब ये टेबल जो है इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ भी पॉट लगा देते हैं और एक फ्लावर। तीन वाली टेबल ज़्यादा सी रखती है। अब इसकी फ्लोर मैटिंग कर देते हैं जल्दी से, जैसे हमने बाहर की थी गार्डन में। तो ये पूरी फ्लोर मैटिंग कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे चलते हैं, ये गेट क्यों खुल रहा है? अच्छा ये जॉम्बी का बच्चा है, मतलब ऐसे मतलब गुस्से वाला जॉम्बी का बच्चा नहीं, वो एक्चुअल में जॉम्बी का बच्चा है वो। इसको मार देते हैं वरना ये कुछ ख़राब कर देगा। मार दिया इसको, ये देखो सामान मिल गया थोड़ा सा, छोड़ो। अब हम घर के बाहर हैं। अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक स्लैब्स का ना पूरा लगा के थोड़ा सा डिज़ाइन लुक बाहर ले आते हैं घर का। तो देखो मैंने कोने कोने पे हर कॉर्नर पे मैं लगा चुका हूँ स्लैब्स, उससे थोड़ा डिज़ाइन अच्छा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अब मैं यहाँ पूरा ग्लास लगाऊंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में बोला था कि मैं पूरा इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ अभी, कि यहाँ मैं ग्लास लगा सकता हूँ या मैं वॉल लगा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ग्लास लगाऊंगा, पक्का कर दिया मैंने। ब्लू ग्लास पूरा लगा देते हैं यहाँ पे।
तो ये पूरी ब्लू ग्लास लग चुके हैं। अब देखो अब अच्छा लुक आ रहा है काफ़ी। नीचे का हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, तो अब हम बस हमें बस ये ऊपर का फ्लोर बनाना है। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, यहाँ के लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं यहाँ आर्मर स्टैंड बनाऊँगा। तो आर्मर स्टैंड के लिए पहले आर्मर आप टाइप करोगे। अब यहाँ से आर्मर स्टैंड ले लिया और ये सारे मतलब आर्मर उठा के आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको जल्दी से सारा सेट। तो देखो पूरा हमने लगा चुके हैं, अब हमें आर्मर चाहिए। अब हम अपना पहले तो अपना ये आर्मर उतार के मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको कि कैसा कैसे मतलब डाल सकते हो आप अगर आपको बनाना हो तो। तो ये पूरा यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो जो जो आर्मर रखना है वो सेलेक्ट करो और राइट क्लिक मारो आर्मर स्टैंड पे, वो अपने आप वो पहनाते जाएगा। अब ये भी पहन लिया। अब हेलमेट, अब देखो ऐसा लुक आ रहा है अभी आपको, मतलब शायद उतना अच्छा लग रहा हो। मैंने सीक्वेंस सोचा हुआ कि मैं कैसे लगाऊंगा, तो अभी इसको तोड़ देते हैं। अब मैं आपको सीक्वेंस में लगा के डायरेक्ट दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा पूरा। तो देखो पूरा हो चुका है, हमने वहाँ पे आप डायमंड का लगा दिया और मैंने ऊपर लैंटर्न भी लगा दी। अभी ऊपर लाइटिंग ठीक कर देते हैं पहले, फिर मैं फाइनल दिखाता हूँ। तो पूरी ऊपर की लाइटिंग भी ठीक कर दी हमने, दो दो का पेयर में लगा दिया है सारे लैंटर्न्स। अब यहाँ पे मैंने सोचा हुआ कि यहाँ पे तो मैं अभी सोफ़ा और बेड बनाऊँगा, अभी यहाँ पे एंड रॉड लगा देंगे हम पूरा। तो हर जगह हमने एंड्रॉड्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे बीच में तो सोफ़ा लगेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बीच में सोफ़ा लगाऊंगा, वहाँ पे बेड और वॉल्स पे तो अपना फ्रेम्स। तो वॉल्स पे मैं पूरा फ्रेम लगा के आपको दिखाता हूँ क्योंकि नीचे लगा चुका था मैं, तो स्किप कर दूंगा ये पूरा पार्ट। तो देखो पूरे फ्रेम्स लगा के आपको ऐसा लगेगा, जो भी आपको फ्रेम चाहिए हो फ्रेम रखो और कोई भी सामान उठाओ और राइट क्लिक मार दो फ्रेम पे, वो सामान फ्रेम के अंदर चला जाएगा, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे जल्दी से बेड बना लेते हैं। ये हमने बेड बना लिया और टेबल बना लिया, अब यहाँ पे सोफ़ा बनाएंगे हम जैसे नीचे और गार्डन में बनाया था। तो पूरा हो चुका है। तो देखो अब मैं यहाँ पे ड्रैगन के हेड लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों सही लग रहा है या बुरा लग रहा है, बट मेरा मन कर रहा है अभी ड्रैगन के हेड लगाने का, तो मैं ड्रैगन का हेड लगा रहा हूँ यहाँ पे। और बीच में ये फ्रेम भी हटा देते हैं। अब ये बेकार लगे चाहे अच्छा लगे बट मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल, ब्लू का बनाऊंगा यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। तो ब्लू का टेबल बना लिया और ये ऊपर पॉट लग दिया, अब इनमें पेड़ लगा देते हैं सैम्पलिंग। तो ये पूरा हमारा हो चुका है लगभग, सोफा भी हो गया बेड भी हो गया, यहाँ पे एंड्रॉड लगा देते हैं। तो बेड के साइड में भी एंड्रॉड्स लगा देते हैं थोड़े से। और ये पूरा बन चुका है आपका लगभग सेकेंड फ्लोर। और यहाँ पे थोड़ा बाहर चल के देखते हैं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं। तो स्ट्रीट्स के लिए मैं सोचा कि स्ट्रीट लाइट साइड में लगा दूंगा इनके। तो मैं पहले एंड्रॉइड रखूंगा और उसके ऊपर लैंटर्न रखूंगा, ऐसे करके मैं पूरा कवर करके आपको दिखाता हूं जल्दी से। तो पूरा हम लोग बना चुके हैं, मैं यहां पे फाइनल लैंटर्न लगा रहा हूं, एक दो लैंटर्न और लगेंगे बस। लुक्स के लिए अच्छा लगता है, रात की साइड में थोड़ा और अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका सिनेमेटिक व्यू, तब आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। तो पूरा हमने लगा दिया यहां पे भी। अब देखो जो रोड है वो कुछ ऐसी दिख रही है, देखो मैंने पूरा साइड में कर दिया। तो मैं आपको इसका रात का लुक भी दिखा देता हूँ, रात का लुक कुछ इस साइड का दिखेगा। अब ये घर की छत पे हम लैंड यहाँ पे लगा देते हैं, कॉर्नर्स पे लैंडिंग, ये मेरा फेवरेट है। मैं यहाँ मतलब सबसे फेवरेट चीज़ जो मेरी है मैं वो बनाऊँगा इस घर पे, अब मतलब इस ऊपर पे टेरेस पे लगा दिया। तो हमने पूरे घर का एरिया कवर कर लिया साइड साइड में लैंटर्न्स लगा के, जिससे कि मॉब स्पॉन नहीं होंगे, वरना ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो वही स्केलेटन और बाकी सब क्रीपर वीपर आते रहेंगे। साइड में भी लगा देते हैं थोड़े से। तो साइड में भी हमने कवर कर दिया है पूरा घर, अब घर थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब मैं ऊपर वो बनाऊंगा जो मेन चीज़ है हमारी, जो आपने मेरी पहली वाली वीडियो में इंट्रो में भी देखा होगा कि मैंने टेरेस के ऊपर आर लिखा था। आर डिनोट करता है रैबिट गेमिंग को, तो इसलिए आर बनाएंगे हम यहाँ पे। एंड्रॉड को रखेंगे और उसके ऊपर मैंने रेड स्टोन रखी थी क्योंकि हमारा लोगो थोड़ा रेड सा भी है, तो इसलिए मैं पूरा आपको बना के दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये देखो ये पूरा हमने बना चुके हैं आर, अब लग रहा है अच्छा था। अब मैं इसके ऊपर रेड स्टोन लगा दूंगा, थोड़ा सा रेड सा इफेक्ट आएगा उससे, तो वो बढ़िया लगेगा दिखने में भी। पूरा लगा देते हैं इस पे सब पे।
तो ये पूरा कर चुके हैं। अब मैं ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। ये देखो कुछ इस साइड का दिख रहा है, अब लग रहा है जो मतलब इंट्रो में लुक था वही सेम लुक आ चुका है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारी वीडियो का पूरा एंड हो चुका है, घर हमारा बन चुका है। तो अभी बस एक बार मैं आपको घर का पूरा शॉर्ट प्रीव्यू दिखा दूंगा इसमें वीडियो में। तो वीडियो एंड हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो पोर्शन है उसके बाद हमने टाइम लैप्स डाला है एंड एक सिनेमैटिक व्यू दिखाने की भी कोशिश की है। तो यार पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना है प्लीज़। और जितना आप करोगे यार उससे सपोर्ट मिलेगा, उससे मैं और अच्छा बना पाऊँगा। तो थैंक यू एंड एंजॉय करो। Is it so hard to let you go?